बारात लेकर अपने लड़के की शादी के लिए आए थे, बेइज्जती करवाने के लिए नहीं। हमने सोचा था ये चिरैया बहुत सीधी सादी लड़की है, लेकिन इस लड़की के शक की वजह से वो फौरा गई। तुम्हें क्या लगता है रामेश्वर, गांव में लड़कियों की कमी है? एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएगी। कान खोल के सुन लो, तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। चलो। नहीं नहीं संधि जी, ऐसा मत कीजिए। चिरैया की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। बारात वापस मत ले जाइए, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। भाड़ में गई शादी। चलिए बाबूजी, हम यह शादी करवाने के लिए आए थे, अपना तमाशा बनवाने के लिए नहीं। औरत की इतनी बेइज्जती हमने कभी नहीं देखी है। हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और रामेश्वर, अब चाहे तुम नाक रगड़ो, चाहे अपनी पगड़ी रख दो, हम यहां नहीं रुक सकते। ऐसा मत कीजिए समधि जी, ऐसा मत कीजिए। चुप। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चली गई ना बारात, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडा। तू ही दिन का शहर से यहाँ आई, सारा कुछ तहस नहस कर डाला। हम कह रहे थे चिरैया को कि इसे दूर रहे, लेकिन ना हो गया सब चौपट। अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे थे हम, आकर आग लगा दी। क्या जरूरत थी इसमें टांग अड़ाने की? तुम लोग तो यहाँ से चलते बनोगे, पर हमें यही रहना है। लेकिन तुमने हमको यहाँ रहने के लायक भी नहीं छोड़ा। भाई जी मैंने तो चुप, अपना प्रवचन कहीं और जाके देना। गुंजन ये कह रही है भाई साहब की बस। जीजी, जितना सुनना था सुन लिया, अब हमें माफ करो। आप इस शादी में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सी मेहरबानी और करो कि कल सुबह अपने घर वापस चले जाओ। जी सर, जी जरूर जी, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर सर, या थैंक यू। कल मेरा इंटरव्यू है, उस जॉब के लिए जिसका मुझे हमेशा हमेशा से इंतजार था। चलो अच्छी बात,
कोई तो खुशखबरी मिली। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर कर दिया बे। अगर तुम बदलाव चाहती हो, अपने दोस्त के लिए इंसाफ चाहती हो, तो एक बार उस विक्रम के बारे में फिर से सोच लो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुंजन भाभी को देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारे पास एक और मौका है, वो मौका हमें चाहिए। राह दिखाकर मैंने उसका साथ छोड़ दिया, आगे बेचारी कहां जाएगी, ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ेगी। गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ गुंजन? मुझे वापस जाना है। क्या वापस जाना? बस करो गुंजन, कितना करोगी तुम? अब बनारस चलते हैं। नहीं पापा जी, चिड़ैया वहां अकेले क्या करेगी? उसने इतनी बहादुरी दिखाई है, मैं उसका साथ अंत तक दूंगी। मुझे वापस जाना ही होगा। क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं? पेट बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ सीमा? मर जाएंगे हम, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे अब। मैं पानी पिलाओ जल्दी। पानी पीजिए। ये सब कुछ कम पानी पीने की वजह से हो रहा है और टॉयलेट ना जाने के। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बस 2 दिन के लिए गांव वापस जाने दीजिए, फिर मैं बनारस आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस। बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा बिटिया का? कौन शादी करेगा इसे? इतने बड़े घर का रिश्ता हाथ से निकल गया। माम को माफ कर दो, हमने जो भी किया वो इसलिए किया कि इस गांव में और कोई दिव्या ना हो। वो बाबू जी हम कह रहे थे कि रुके। चिड़ैया पे हाथ उठा के कोई फायदा नहीं, हमें चल के अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। और चिड़ैया तुझे भी चल के प्रधान जी से माफी मांगनी होगी, समझे तू? पर माँ मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं चलेगी तू? चल, और अगर अब तूने कोई नाटक किया ना तो सोच लेना। चल चल तू। रेडी? हमारा डिजाइन रेडी।
लेकिन इसमें कोई एक्सेसरीज क्यों नहीं? एंड व्हाई डोंट यू ऐड सम मोर कलर्स? मिस गर्ग, मिस गर्ग, हेलो, क्या हुआ? आर यू ओके? कम ऑन रचना, कॉन्सेंट्रेट. मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत अर्जेंट है, इसलिए आज शाम तक ये सारे डिजाइन कंप्लीट हो जाने चाहिए. लेकिन 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 कुछ नहीं मिस गर्ग, जैसा कहा है वैसा करो. गो फास्ट. अब ये छोड़ेंगे नहीं उस लड़की को. औरत की इतनी बेइज्जती हमने कभी नहीं देखी है. चलो यार, चल के माफी मांग ले. चलो, मैंने कहा ना. देख क्या रही हो? दूसरा मौका चाहिए तो चुपचाप प्रधान जी से माफी मांग लो. माफी? ये लड़की भी ना. खींच के देंगे. चल माफी मांग. ओके गर्ल्स, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम लोग जा सकते हो. बट रिमेंबर, कल सुबह जल्दी आना है क्योंकि बहुत सारा काम खत्म करना है. लीव नाउ. लेकिन लेकिन कुछ नहीं मिस कर, जैसा कहा है वैसा करो. गो फास्ट. जोर जबरदस्ती से ना प्यार मिलता है ना ही इज्जत. चिरैया को छोड़ दीजिए क्योंकि ना तो यही शादी करेगी और ना ही माफी मांगेगी. इस लड़की को किसने अंदर आने दिया? किसने? प्रधान होने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके कहने पर चलेंगे. आप उन पर अपना हुक्म जताएंगे. क्या कहा था आपने कि मैं मेहमान बनकर आई हूँ ना, और मेहमान बनकर ही रहूं? अब मैं यहाँ रहने आई हूँ और चीजें बदलने आई हूँ. आप ना कोशिश कर लो, आपकी तानाशाही और पैसे भी मुझे रोक नहीं पाएंगे. ए! आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे पावजी की बेइज्जती करने की. और जुबान चलती है ना तुम्हारी, एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगी हमारे पावजी का. तुम्हें तो हम अभी बताते हैं. मैं
हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं उन चुपचाप रहने वाली लड़कियों में से नहीं हूं, और ये बात याद रखना। चलो चिरैया। रचना, केटी, रचना मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम में टैलेंट होने के साथ साथ ग्रो करने का ट्रेमेंडस पोटेंशियल भी है, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारा ध्यान काम से हटे। काम ही तो करते हैं यहाँ, लेकिन हुजूर के पास हमारी तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना रचना, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स मत होने देना, क्योंकि दोनों ही चीजों के लिए अलग अलग टाइम होता है। तुम जानती हो ना कि मैं अपने काम को लेकर कितना पर्टिकुलर हूं, इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे हावी ना हो। ओके, चलो अब कॉफी पीते हैं और उसके बाद ये सारा काम खत्म करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। कॉफी। भाभी, हम जानते थे आप जरूर आएंगे, हमें इस हालत में अकेला छोड़कर आप नहीं जाएंगे। अब हम ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। पर भाभी, हमें विक्रम से शादी नहीं करनी है, हमें एक आत्मसम्मान वाली और इज्जत की जिंदगी चाहिए। आपके आने से पहले हम सब सह लेते थे और सब मान भी लेते थे, लेकिन अब नहीं भाभी। हमने ये बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि आपने हमें समझाया। पर भाभी, हमारा ये कदम बेकार तो नहीं जाएगा ना? नहीं चिरैया, हम दोनों साथ मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। अब बहुत कर चुकी तुम। मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम गुंजन के बताए रास्ते पर चलना चाहती हो चिरैया? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम गुंजन के साथ अभी इसी वक्त जा सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बोलो जगमाता, इस लड़की की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? संभाल नहीं सकती थी तो तुम्हें इसकी जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं था। हम उसके माँ बाप हैं, उसका भला ही चाहेंगे ना। अरे अब तो हमें माफ करो, जाओ यहां से और कभी लौट के मत आना। एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुन ली। बस बहुत बोल चुकी तुम। दम से इसे बाहर निकालो। कहा विक्रम बाबू, क्या हाल बना रखे हो? अरे सुहाग रात का सपना सजोए थे और अब मजनू माफिक अकेले ही जाम पे जाम उड़ा रहे। राज! राज! बस बहुत हो चुका, समझती क्या है अपने आप को? जानती नहीं है वो किसको ललकार आई उसने? विक्रम पुंदीर नाम है मेरा। ईट का जवाब पत्थर से ना दिया तो
हमारा नाम भी विक्रम नहीं। वो शहरिया का वो हाल करेंगे, रोएगी रोएगी वो उस दिन को याद करके जिस दिन इस गांव में कदम रखा था उसने। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। ये लड़की हमारे लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए खतरा है। शाम तक जब कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी ना, तो झक मार के ये गांव छोड़ के चली जाएगी। रहने दो उसे यहीं बाहर, सड़ने दो।